गुड डे, कैशू आमंड कुकीज। इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्री चॉइस हर्ब्स, अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आमला, पांच चीज, पांच हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चौको पीनट स्प्रेड। ओके, इसमें हेजलनट है ही नहीं। द नेम ऑफ द केचप इज फ्रेश टमेटो केचप। यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टरिस्क साइन है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम स्लैश ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टमेटो सिर्फ नेम और नाम ना, तो फ्रेश टमेटो। वाह, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। yeah, so you are just saying कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे वो ना डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया। हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको।